माता की जय। भारत माता की जय। गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी। ये जो आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल को सुनने उमड़ा था। इस भीड़ का हिस्सा बने कई लोग तो अपनी नौकरी छोड़कर केजरीवाल का साथ देने देश विदेश से पहुंच गए थे। वही कई लोग सिर्फ उस इंसान को देखने के लिए जमा हुए थे जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आमरण अनशन पर बैठा था, और फिर इस भीड़ और जन आंदोलन से मिले समर्थन के दम पर केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई, दो बार सत्ता हासिल की। इसी जनता के दम पर केजरीवाल चौड़े हुए फिरते थे, लेकिन जब से केजरीवाल जेल में गए तब से उनकी पार्टी ने भले ही केजरीवाल के प्रति जन समर्थन जुटाने के लिए अभियान चलाया हो, लेकिन रामलीला मैदान वाला जन समर्थन केजरीवाल के लिए फिर से नहीं दिखता। जब बिन बुलाए किसी निमंत्रण के देश की जनता रामलीला मैदान पहुंची थी, तलाश करेंगे आज उन्हीं वजहों को कि अब लोगों में अरविंद केजरीवाल को लेकर वो क्रेज क्यों नहीं नजर आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, मैं हूं आपके साथ गुलबिश। दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने वाले केजरीवाल के लिए आम जनता कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, फिर ये प्यार जन समर्थन की शक्ल में सड़कों पर क्यों नहीं दिखता है? क्यों लोग उनके लिए कोई रैली या प्रदर्शन करते नजर नहीं आते? अब इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि अन्ना हजारे तक अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़े हैं, जिनके चेहरे पर केजरीवाल ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। कहा जाता है कि अन्ना हजारे केजरीवाल के राजनीति में जाने के फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी अन्ना हजारे उनके पक्ष में खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगर अन्ना हजारे और आंदोलन के साथी जंतर मंतर पर या कहीं केवल मौन धारण करके बैठ जाते तो तस्वीर शायद कुछ और होती। साल 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ था। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े चेहरों ने अहम भूमिका निभाई थी। याद आता है कि जब इस अभियान ने आंदोलन की शक्ल ली तब देश के कोने कोने से लोग बिन बुलाए आंदोलन में कूद पड़े थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। देश के युवाओं समेत हर वर्ग में अलग ही जोश था। ये जोश आंदोलन का भेष भरकर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर उतारू था, जान देने पर उतारू था, लेकिन किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ही चाहता था। अन्ना हजारे के चेहरे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लंबे वक्त तक चले आंदोलन, सरकार से कई दौर की बातचीत और भूख हड़ताल के बावजूद भी ये आंदोलन अपना मकसद पूरा नहीं कर सका। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने साल 2012 में एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी का ऐलान कर दिया। तर्क दिया गया कि देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने का यही तरीका है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में जाएं और सरकार में घुसकर सिस्टम को अंदर से साफ करें। लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि वे सिस्टम में बजबजा रही गंदगी को साफ करने के बजाय आम जनता की गाड़ी कमाई को साफ करने में लग गए। इस वक्त पर आंदोलन के वक्त पर कही गई वो बात भी आपको सुनवाते हैं जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल खुद कहा था कि इस कुर्मी के अंदर की कुछ समस्या है, जो बैठता है भ्रष्ट हो जाता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? राजनीति में आने और नेता बनने से पहले अरविंद केजरीवाल नौकरशाह और एक्टिविस्ट रहे हैं। रामलीला मैदान का आंदोलन उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने राजनीति में भी अरविंद केजरीवाल को शानदार एंट्री दिलाई। कहते हैं कि राजनीति कार्यकर्ता संगठन और विचारधारा से चलती है। विचारधारा के हिसाब से देखें तो अरविंद केजरीवाल भटकते हुए नजर आते हैं। केजरीवाल ने संगठन खड़ा जरूर किया लेकिन उसे वो मजबूती नहीं दे पाए। कार्यकर्ताओं का जो हाल है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं लगती, बाकी चीजों की भरपाई भी हो जाती है, लेकिन पुराने साथियों के साथ छोड़ देने जैसे कुछ मामले ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक अपरिपक्वता का नमूना है, जिससे जनता के भरोसे पर भी केजरीवाल खरे नहीं उतर पाते हैं।
राजनीति के जानकार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिल्ली में घटी है। अब दिल्ली समेत देश की जनता को केजरीवाल में पहले जैसा चार्म नहीं दिखता। केजरीवाल आज जिस भंवर में फंसे हैं उसके लिए उनकी ही गलतियां जिम्मेदार हैं। कहानी तो केजरीवाल के राजनीतिक उभार के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन कारण अब लोगों की समझ में आ रहे हैं, जिसमें से कुछ वजह यहाँ भी हम आपको गिनवा रहे हैं। केजरीवाल को भारी पड़ी हैं गलतियां। कौन सी गलतियां हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया लेकिन छोड़ भी दिया। दूसरी गलती, लोकपाल को छोड़ हिंदुत्व के रास्ते पे चल पड़े, साथ ही माफी मांगकर विश्वसनीयता खो बैठे। विपक्षी खेमे में अकेले हीरो बनने की उन्होंने कोशिश की। इसके साथ अनुभवी और काबिल लोगों के साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाई। मजबूत साथियों को भी पार्टी छोड़ने से रोका नहीं। निजी हमले करके सभी नेताओं से दुश्मनी तो उन्होंने मोल ली ही। अरविंद केजरीवाल के कामकाज और राजनीति करने का तरीका बदलने से भी काफी असर उनकी लोकप्रियता पर पड़ा है। शुरुआती दौर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक थी। एक वक्त केजरीवाल लिस्ट जारी करते थे कि देश में कौन कौन से भ्रष्ट नेता हैं। अब फिर जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसे गले मिलते हुए नजर आते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मिशन पर अडिग होते तो उपलब्धियां उनके खाते में जमा होती, लेकिन अब उनके खाते में जमा है तो सिर्फ आरोप ही आरोप। अरविंद केजरीवाल बहुतों की उम्मीद थे, क्या दिल्ली और क्या देश। एक दौर ऐसा भी रहा जब दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतीय अरविंद केजरीवाल को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। कई तो बड़े बड़े ओहदे और करोड़ों का पैकेज छोड़कर देश के लिए कुछ करने की उम्मीद लेकर भारत लौटे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद केजरीवाल के साथ मिलकर नए भारत का निर्माण हो पाए, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, महंगाई से मुक्त हो। लेकिन केवल उनके सपने ही नहीं टूटे बल्कि चकनाचूर हो गए। केजरीवाल किसी की भी उम्मीद और सपने पूरे नहीं कर पाए, और सपनों का मर जाना इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक होता है उम्मीदों का खत्म हो जाना। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।